हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूँ शमा खान। दोस्तों, इंसान का अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में एक दायरा बताया है। जब जब उस कुदरत के दायरे को इंसानों ने पार करने की कोशिश की है, तब तब इंसानों पर अल्लाह ताला का कहर नाजिल हुआ है। तो ऐसा ही कुछ वाक्या कौम लूत के साथ हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। किया जो इनसे पहले दुनिया में किसी कौम ने ना किया था। ऐसी बदकारी जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। इस कौम ने ऐसा क्या काम किया था और इनका क्या अंजाम हुआ? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगुजीदा नबी थे। आपके वालिद का नाम हारान था, जो तारीख के बेटे थे। आपकी पैदाइश इराक के कदीम शहर उर में हुई थी। इस शहर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मस्किन था। दरअसल लूत अलैहिस्सलाम के वालिद हारान हज़रत इब्राहिम के सगे भाई थे, यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम के भतीजे थे। चूंकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद उनके बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे, लिहाजा हज़रत लूत को हज़रत इब्राहिम ने बेटा बनाकर पाला था। आप हज़रत इब्राहिम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। आप हज़रत इब्राहिम के ज़माने में अहल सुदूम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फ़ायज़ हुए। हज़रत लूत के बहुत सारे मुआजज़ात हैं। आप जिस वक्त बारिश के लिए दुआ करते थे तो आसमान बादलों से भर जाता और खूब बारिश होती थी। हज़रत लूत जिस पत्थर पर सर रखकर सोते, उस पत्थर पर आपके सर मुबारक का निशान बन जाता था। सदूम वो इलाका था जहां लूत अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए गए। सदूम के आसपास पांच नहायत ही खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज़्यादा ही थी। ये इलाके नहायत ही सरसब्ज़ शादाब और कुदरत की फैयाजी का हसीन शाहकार था। यहाँ बागात की कसरत थी, लहलहाती खेतियाँ यहाँ की ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा थी। उर्दून शाम और इसराइल के दरमियान बसा हुआ ये इलाका नहायत ही ज़रखेज था। वहाँ तरह तरह के अनाज, फल, मेवे बकसरत पैदा होते थे और यही वजह थी कि आसपास के बस्तियों के लोग भी अपनी मुआशी और गजाई ज़रूरत के लिए उन बस्तियों की तरफ आते थे। मगर ये बात अहल सदूम के लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी। उनके ख्याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाजों और सब्जियों पर सिर्फ उनका ही हक था। वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाके में आएं। एक दिन सदूम के लोग इस बात पर गौर व फिक्र कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ आने से आखिर कैसे रोका जाए, कि इबलीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनके महफिल में आया और कहा, अगर तुम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। उस अजनबी बुजुर्ग की बात लोगों ने बहुत तवज्जो से सुनी। इबलीस ने कहा, मैं कल बताऊंगा। दूसरे दिन इबलीस एक खूबसूरत जवान लड़के की भेस में आया और उन्हें अपनी औरतों के बजाय मर्दों के साथ फेल बद करना सिखाया। इबलीस ने कहा कि अगर तुम उन बस्तियों के लोगों से निजात चाहते हो जो तुम्हारी बस्ती में आ जाते हैं, तो ऐसा करो कि जब भी कोई शख्स तुम्हारे इलाके में आए तो तुम लोग ज़बरदस्ती उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करो। इस तरह ये लोग इस बस्ती में आना छोड़ देंगे। अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए मर्दों से बदफेली इस कौम का दस्तूर बन गया था। यहाँ बेहयाई आम हो गई थी। हुक्मरा, सरदार, रऊसा, हर तबके में घर घर ये अमल फैल गई थी। भरी महफिल में ये लोग इस फहाशी के काम को करके खुश होते थे। कोई भी महफिल इस काम के बगैर अधूरी समझी जाती थी। खासकर मुसाफिरों में से कोई खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग उसे अपना शिकार बना लेते। तलमूद में लिखा है कि अहल सदूम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सख्त जालिम, धोखेबाज और बद मामला थे। कोई मुसाफिर उनके इलाके से बखैरियत ना गुजर सकता था। कोई गरीब उनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा ना पा सकता था। बारहा ऐसा होता था कि बाहर का आदमी उनके इलाके में पहुँच कर फाकों से मर जाता और ये उसके कपड़े उतार कर उसकी लाश को बरहना दफन कर देते। अपनी वादी को उन्होंने एक बाग बना रखा था जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। इस बाग में वो इंतहाई बेहयाई के साथ ऐलानिया बदकारियां करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद की दावत दी और बदकारी के इस घिनौने अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। हज़रत लूत ने कहा, तुम बेहयाई क्यों करते हो?
क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्द की तरफ मायल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। हजरत लूत अहले सदूम को दिन रात वाज़ो नसीहत किया करते, लेकिन कौम पर इसका कोई असर ना हुआ, बल्कि वो बहुत फख्रिया अंदाज में ये काम करते थे। उन्हें हजरत लूत का समझाना भी बुरा लगता था, लिहाजा उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मदाखलत करते रहे तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। हजरत लूत ने नसीहत और तबलीग का सिलसिला जारी रखा, लिहाजा एक दिन अहले सदूम ने खुद ही अजाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने अब तक उनके इस बदतरीन फहाशी और बदकारी के बावजूद ढील दे रखी थी, लेकिन जब उन्होंने हजरत लूत से एक दिन कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ, लिहाजा उन पर अजाब इलाही का फैसला हो गया। अल्लाह ने अपने खास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते दरअसल हजरत जिब्राइल, मीकाईल और इसराफील अलैहिस्सलाम थे। फिर ये फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ ले आए। हजरत लूत ने जब उन खूबसूरत नौ उम्र लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। उन्हें यह खतरा महसूस हुआ कि अगर उनके कौम के लोगों ने उन्हें देख लिया तो ना जाने वो उनके साथ क्या सलूक करेंगे। हजरत लूत की बीवी का नाम वायला था। उसने आप पर ईमान ना लाया था और वो दरअसल मुनाफिका थी, वो काफिरों के साथ थी। लिहाजा उसने जाकर अहले सुदूम को यह खबर दे दी कि लूत के घर नौजवान लड़के मेहमान ठहरे हुए हैं। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हजरत लूत के घर पहुंचे। हजरत लूत ने कहा, ए कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज़ और पाक हैं। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुसवा ना करो। क्या तुम में से कोई भी शायस्ता आदमी नहीं? हजरत लूत की बात सुनकर वो लोग बोले, तुम बखूबी वाकिफ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई हाजत नहीं और जो हमारी असल चाहत है उससे तुम बखूबी वाकिफ हो। कौम लूत के इस बेशर्माना जवाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो फेले बद में किस हद तक मुब्तला हो चुके थे। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हजरत लूत ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। उस बदकार लोगों ने आपके घर का घेराव किया हुआ था और उनमें से कुछ घर के दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हजरत लूत अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं फरमाया, ऐ लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज़ तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। अभी कुछ रात बाकी है तो अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे। अहले सदूम हजरत लूत के घर का दरवाज़ा तोड़ने पर बज़िद थे, लिहाजा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना उन्हें मारा जिससे उन सब की आँखों के ढेले बाहर निकल आए और बसारत ज़ायल हो गई। ये ख़ास अजाब उन लोगों को पहुँचा जो हजरत लूत के पास बदनीयती से आए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल जानकर मुतमईन हो गए और अपने घर वालों के साथ रात ही को निकल खड़े हुए। बीवी भी उनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपने कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नम रसीद हो गई। सुबह का आगाज़ हुआ तो अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल ने बस्ती को अपने पर से उखाड़ दिया और फिर अपने बाजू पर रख कर आसमान पर चढ़ गए, यहाँ तक कि आसमान वालों ने बस्ती के कुत्ते के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाज़ें सुनी। फिर उस बस्ती को ज़मीन पर दे मारा, जिसके बाद उन पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वालों का नाम लिखा हुआ था। जब ये पत्थर उनको लगते तो सर पाश पाश हो जाते। सुबह सवेरे शुरू होने वाला ये अजाब इशराक तक पूरी बस्ती को नेस्तो नाबूद कर चुका था। कौम लूत की उन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ने एक इंतहाई बदबूदार और सयाह झील में तब्दील कर दिया, जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। समुंदर के इस ख़ास हिस्से में कोई जानदार मछली, मेढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए इसे डेड सी यानी बहरे मुर्दार कहा जाता है, जो इसराइल और उर्दून के दरमियान वाक़ है। माहरीन आसार ने 10 सालों की तहकीक और जस्तजू के बाद उस तबाह शुदा शहर को दरियाफ्त किया था। तहकीकात से पता चला था कि उस शहर में ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इस शहर के रास्ते और खंडरात को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अंदाज़ा लगाया कि जब यह शहर तबाह हुआ तो उस वक्त लोग रोज़मर्रा के मामूलात के कामों में मशगूल थे।
और यहाँ जिंदगी अचानक ख़त्म हो गई थी। अहल सदूम जिन्हें पत्थर बना दिया गया था, उनके बुत अभी तक बहरे मुर्दार के पास मौजूद हैं, जो ता कयामत लोगों के लिए एक इबरत है। आज यूरोपीय ममालिक में इंसानी आज़ादी के नाम पर इस बदकारी की इजाज़त दी जाती है और इस फहश अमल को फ़ख्र समझा जाता है, मगर हकीकत यह है कि हमजिंस परस्ती बिल्कुल फितरत के ख़िलाफ़ है, जिससे इंसानी मुआशरा तबाह और बर्बाद हो जाता है। रिवायतों के मुताबिक एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन अमल क्या है। इबलीस बोला, जब मर्द मर्द से बदफेली करे और औरत औरत से ख्वाहिश पूरी करे। हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स पर अल्लाह पाक की लानत हो जो कौम लूत वाला अमल करे। बिल्कुल सही बात है। गंदगी दोस्तों, इस वीडियो को देख के बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि अल्लाह ताला ने इतनी सारी मतलब निशानियां दुनिया में छोड़ रखी हैं कि इंसान वो गलतियां दोबारा ना करे, जो कि आजकल भी मतलब दुनिया में ज़्यादातर देखा जा रहा है। कोई सी भी कंट्री हो, हर जगह ही मतलब ये सब देखा जा रहा है। और ख़बरों में भी आप भी जानते होंगे कि आजकल ऐसी खबरें ज़्यादा आती हैं कि मतलब लड़का लड़की से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से शादी कर रही है। वो समझते हैं कि आजकल की हमारी सोच है दोस्तों, ये आजकल की सोच अगर रखनी है तो मतलब बहुत सारे दुनिया में नेक काम हैं जो कि हम कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़े ना कि इसी काम को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों की मदद करो, गरीब लोगों की मदद करो और जितने भी दुनिया में नेक काम हैं वो करने की कोशिश करो, तो उससे हमारा देश भी मतलब कामयाब हो सकता है और हमारी ज़िंदगी भी कामयाब हो सकती है। अल्लाह ताला ने जो पाक रिश्ता रखा है वो आदमी और औरत का ही रखा है, जो कि दीन के हिसाब से भी अच्छा है और दुनिया के हिसाब से भी अच्छा है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।